सच है। नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। इसे कहते हैं पार की चोटी पर चले थे झंडा गाड़ने, पर तसरी पर पत्थर बांधकर लुढ़कते लौटे। यानी मदीने की रियासत बनाते बनाते 1.5 साल के भीतर कटोरा रियासत बन गई, जिसमें पाकिस्तान की 83% आबादी तैमद घुटनों तक ऊपर उठाकर बांग दे रही है। अब तब्दीली की दास्ता यह है कि इमरान 17 महीने के कार्यकाल में 14 अरब 69 करोड़ डॉलर का कर्ज लेकर पाकिस्तान में रिकॉर्ड बना चुके हैं। इसलिए पाकिस्तान की बदहाली से पीछा छुड़ाने के लिए इमरान ने ऐलान किया है कि जिसे लगता है वह पाकिस्तान में तब्दीली ला सकता है, वह पाक का प्रधानमंत्री बन जाए। यानी पाकिस्तान के अखबारों में इस पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा सकते हैं। पर दिक्कत यह है कि कोई भी नेता मुफ्त में भी पाक का पीएम बनने के लिए तैयार नहीं है। वैसे भी पाकिस्तान डूबती कश्ती की तरह है, जिसमें बरका छत्ता समझकर कोई भी हाथ डालना नहीं चाहता, क्योंकि पाकिस्तान को इमरान ने तब्दीली के जिस चौराहे पर लाकर खड़ा किया है, वहां से चारों रास्ते खाई की तरफ जाते हैं, जिनसे बचने का हुनर कम से कम मदरसा पैदाइश के पास तो बिल्कुल भी नहीं है। मगर इमरान खान द्वारा दिया गया खुला चैलेंज खुद अब उनके गले में फंसी हड्डी बनता जा रहा है। सवाल यही है कि जब तब्दीली का सहरा किसी और को ही सौंपना था, फिर पाकिस्तानी जनता से गधैया नृत्य क्यों कराया? कभी नया पाकिस्तान के नाम पर तो कभी 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घरों के नाम पर लाइन खड़ी की गई। गैर सरकारी आंकड़ों और रिसर्च के मुताबिक आज पाकिस्तान में महंगाई दर 22% पहुंच चुकी है, जबकि इस साल 12 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं। अर्थव्यवस्था औंधे मुंह गोते लगा रही है और विकास दर 3% से नीचे सरक चुकी है। पाकिस्तान पर विदेशी कर्ज बढ़कर 111 अरब डॉलर हो गया है और दुनिया का कोई भी देश उसे और अधिक कर्ज देने के मूड में नहीं है। सवाल यही है कि क्या इमरान अब पाकिस्तान के दिवालिया होने की घोषणा करने जा रहे हैं? अगर ऐसा कोई फैसला इमरान खान लेने वाले हैं तो उसमें चौंकाने वाला कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उसके सरकारी खजाने में 8.5 अरब डॉलर ही शेष बचे हैं, जबकि कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए उसे और अधिक कर्ज की दरकार है। तुर्की राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोगन ने नगद मदद का ऐलान नहीं करके पाकिस्तान की सारी आशाएं धूमिल कर दी है। इससे पूर्व इमरान खान इसी महीने की शुरुआत में मलेशिया गए थे। उन्हें उम्मीद थी कि मलेशिया पाकिस्तानी कटोरे में कुछ भीख डालेगा, मगर महातिर की खुद फटी हुई निकली। उन्होंने इमरान से अनुरोध किया है कि भारत से हुए नुकसान की भरपाई के लिए ज्यादा से ज्यादा मलेशियाई पाम ऑयल आयात करें। यानी जिस मुल्क ने कश्मीर मुद्दे पर अपने पिछवाड़े तेल लगाकर चमकाए थे, अब एक दूसरे की तरफ करके रगड़ अभियान चला रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान की बदतर होती स्थिति को संभालने का कोई विकल्प पाकिस्तान के पास नहीं बचा है। पाकिस्तानी बुद्धिजीवियों को बहुत देर से समझ में आया है कि भारत से रिश्ते बिगाड़कर पाकिस्तान ने बहुत बड़ा जोखिम मोल ले लिया है। भारत से व्यापार बंद होने के कारण वहां बड़ी महंगाई में बड़ी भूमिका है, क्योंकि पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान, ईरान और चाइना सब्जी दालों के लिए खुद भारत पर ही निर्भर है। चीन में चावल का उत्पादन ज्यादा होता है, इसलिए पाकिस्तान में अनाज आटे का जो संकट खड़ा हुआ है वह भारत ही दूर कर सकता है। चौंकाने वाली बात यह है कि पुलवामा के बाद भारत से 626 करोड़ रुपए का निर्यात जमीनी स्तर पर हुआ है। पाकिस्तान से मात्र 23 करोड़ रुपए का सामान ही आयात हुआ। भारत द्वारा पाकिस्तानी उत्पादों पर लगाई गई 200% ड्यूटी ने उसके व्यापारियों की दुकानों पर ताले जड़ दिए हैं और ट्रक कबाड़ खाने में कटवाए जा रहे हैं। अब इमरान खान पाकिस्तान के दिवालिया करने का सेहरा अपने सर पर बांधने से बचने की जुगत में है। वह यही चाल चल रहे हैं कि किसी तरह कोई लफड़ा पैदा हो जाए और वे पाकिस्तान से रफू चक्कर हो सके। पर मजे की बात यह है कि अक्टूबर 2019 में फजलुल का बकरी कुदान अब फिर से नहीं होने वाला है। इमरान ने जिसे मोदी का यार और गद्दार कहा था, वह भी लंदन के रेस्टोरेंट में बिरयानी पेल रहा है।
बिलावल भुट्टो साफ कह चुके हैं इमरान पहले अपने वादे पूरे करे, यानी कोई भी इस मदरसा छाप मुल्क का प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा है। संभवतः उन्हें एहसास है कि अगर आज वह पाक के पीएम बन गए तो खुद उनका राजनीतिक कैरियर तबाह हो सकता है। पाकिस्तान को इमरान ने जिस मुश्किलों में लाकर खड़ा कर दिया है उसे वहां से कोई निकाल सके ऐसा सूरमा कम से कम इस मदरसा कौम के पास फिलहाल नहीं है। जिनसे कुछ उम्मीद थी उन्हें पाकिस्तान से भगा दिया गया है। बड़ी बात यह है कि अब पाकिस्तान की जनता कश्मीर का राग सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। कहने वाले तो यही कह रहे हैं कि कश्मीर नहीं अपनी कंगाली के बारे में बात करो, अपना घर संभल नहीं रहा और कश्मीर के तबले बजाए जा रहे हैं। ऊपर से एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में बने रहने का फरमान भी जारी होने वाला है जिससे पाकिस्तान की मदद की उम्मीदें ना उम्मीदों में तब्दील हो जाएगी। यानी इमरान खान का प्रधानमंत्री बने रहना जितना पाकिस्तान के लिए जरूरी है उतना ही भारत के हित में है, क्योंकि मूर्ख और अनाड़ी इमरान के पीएम होते हुए ही कश्मीर का भारत में पूर्ण विलय हो पाया है। पीओके भी इसी की सरकार में भारत का भी हिस्सा बन सकता है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।